मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में. हम दोनों का गाना तुमने गाया लेकिन बिल्कुल अपनी आवाज़ में गाया. तुमने नोट्स गाना बिल्कुल अच्छी तरह उठाकर लेकिन वॉइस को तुमने चेंज करने की कोशिश नहीं की जो काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं. यू कैप्ट योर ओन ओरिजिनल सिंगिंग. वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छा. वेरी नाइस. अमेजिंग अमेजिंग. बहुत ही अच्छा गाया और दोनों गाने इतने अलग अलग मूड के थे लेकिन तुमने पूरा जस्टिस किया इसे. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. अनुराधा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अनुराधा जी, अगर दो लाइंस बहुत प्यार करते हैं कि हो जाए तो बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम. अनुराधा जी ने अभी इतना अच्छा गा दिया है तो कविता जी से भी तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. एक लाइन पिया घर आया तो होना चाहिए. कविता जी, वी आर फैंस. Oh,
कविता मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत यंग एज से अपना करियर स्टार्ट किया था प्लेबैक सिंगिंग में, तो मैम पहला एक्सपीरियंस कैसा था जब स्टूडियो में गए थे? एक्चुअली मैं कॉलेज में जब गाती थी, शुरुआत जब किया तो हेमंदा चीफ गेस्ट थे, तो उनके साथ फिर स्टेज में गाने लगी, तो अचानक एक दिन हेमंदा का फ़ोन आया और बोले कि कल क्या कर रहे हो? ऐसे दादा आई एम गोइंग टू कॉलेज. इसे नहीं नहीं कॉलेज मत जाना, तुम सीधा राजकमल स्टूडियोज़ आ जाओ 10 बजे. तो मैं 10 बजे पहुँची तो सडनली मुझे देख कर बोले एक तो वेट करो, लता जी आश्चिन. माइंड ब्लोइंग. तो उसके बाद दरवाज़ा खुला और देवी जी सफ़ेद साड़ी में लता जी आई. और मैं आपको बोल नहीं सकती, मेरी सांसें बंद हो चुकी थी. उसके बाद उस ज़माने में तो एक ही स्टूडियो में एक ही साथ दो माइक्स लगे होते ना, एक ही साथ म्यूजिशियंस के साथ गाना पड़ता है. तो ऐसे फाइनल रिहर्सल में तो मैं अपनी लाइंस भूल ही गई, क्योंकि मैं देख रही थी कि लता जी कैसे माइक पे गा रहे हो मुग्ध एकदम. तो फिर हेमंदा बोले की हो छे क्यों गाओ नहीं तुम्हें, क्या हुआ क्यों नहीं गाई? तो अब डोंट फॉरगेट नाउ वी आर स्टार्टिंग द टेक, डोंट मेक अ मिस्टेक. आई सेड ओके. फिर लता जी ऐसे चश्मा ऐसे करके मुझे देखकर मुस्कुराई, उनको समझ में आ गया क्या हुआ, मैं डायगनली खड़ी थी. उसके बाद गाया मैंने. बट एक बात बताऊं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे सर पे है, क्योंकि बहुत साल 12 साल के बाद जब मैं उनके साथ वापस कुछ लाइंस गाए, उन्होंने याद से मुझे कहा बहुत साल के बाद तुम्हारे साथ गा रही हूँ ना, ऐसे बोले. That's so amazing. थैंक यू सोनाक्षी, बहुत अच्छा गाया आपने. एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां. किसी चलते शो के बीच इन 11 में से किसी एक को और उनकी फैमिली को मिलेगी एक चमचमाती साए साए करके चलने वाली दुनिया की ड्रीम कार. ये तो फिनाले यार, दिस इज, ये तो फिनाले में सर, 25 एपिसोड में फिनाले होता है आम शोज का, बट वी आर नॉट आम शोज. टॉप 11 को एक एक करके परफॉर्म करना होगा. हम विनर डिसाइड करेंगे प्योरली इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, हम यानी कि जजेस. ऑलराइट. और मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को जीतने की दावेदारी के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स. सो कंटेस्टेंट्स, क्या आप तैयार हैं? ओह माय गॉड, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी ऊर्जा, तो हो जाए, लेट्स बिगिन. Mm-hmm.
कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे, एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला, नया नया है ये देखो आज क्या हुआ है, शो बताए जा रहा है, झूम 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 पापा, झूम 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 पापा, झूम 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 पापा, वाह एंड ख्वाब जागे जागे एंड गाए कोई कोई डांस सॉन्ग, आज खुश नसीब है वो जिसके बाहों में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया दिखता है यारा मैं क्या करूं।
वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे 11 के 11 दावेदारों के लिए। बहुत ही खूबसूरत गाया। एक सेकंड, पहले कविता जी आप बताइए ना, आपने मुझसे क्या पूछा। मैं पहले पूछ रही थी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं क्या? क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।